की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि मैं अपना 24K गोल्ड सीरम जो है उसको सारा ज़ाया करने लगी हूँ। क्यों ज़ाया करने लगी हूँ, क्या ऐसी वजह थी कि मैंने इस सारे बोतल को खाली कर दिया, इसको जानने के लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखें। और उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चलते फिरते मेरे चैनल को देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दो। उससे ये होगा कि आपको मेरी अभी नहीं आने वाली वीडियो मिलती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो 24K गोल्ड सीरम मैंने बाय किया था कुछ टाइम पहले, मैंने लोकल मार्केट से बाय किया था। तकरीबन आलमोस्ट ये 450 या 500 का मैंने ये बाय किया था, रीजनल समझ के मैंने इसको ले लिया। ये मेड इन कोरिया का बना हुआ है, ये आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हो। पूरा डुप्लीकेट है ये 24K गोल्ड का। तो ये कांच की बोतल में है, प्लास्टिक की बोतल नहीं है ये। ये आप देख सकते हो कि मैंने जस्ट एक ड्रॉप इसका सीरम का लिया है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये वाटरी है, ये आप देख सकते हो। और इसके अंदर जो ये पार्टिकल्स हैं, ये जैसे गोल्ड पारा टाइप नहीं होता, ये जस्ट पारा इसमें उन्होंने ऐड किया हुआ है, शिमर ऐड किया हुआ है, गोल्ड इसमें नहीं है। और ये फेस पे अब्सॉर्ब भी इतने अच्छे तरीके से नहीं होता। ये जो सीरम है ये 2 नंबर सीरम है जैसे कह सकते हो, मुझे मिला भी महंगा और मिला भी 2 नंबर। अब आपको समझ आई कि इसको मैंने क्यों ज़ाया किया है, क्योंकि अगर इसे मैं अपने फेस पे लगाती तो मेरी स्किन ख़राब हो जानी थी। कि उन्होंने इसमें गोल्ड ऐड नहीं किया, पारा ऐड किया है, तो अगर मैं इसको अपने फेस पे ऐसे ही लगाऊंगी तो मेरे फेस पे पारा पारा नज़र आएगा और मेकअप भी अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो मेरा मकसद इसको ज़ाया करने का सिर्फ यही था। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, स्टिल देन अल्लाह हाफिज़।